This lesson may we will go from scratch and we will try to customize our site. ंग ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर सो ड्रैग ड्रॉप बिल्डर्स की बात करें सो वट आर ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर्स दीज आर प्लग इन्स विच हेल्प यू कस्टमाइज द लुक एंड फील ऑफ योर वेबसाइट बाई यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप लेवल के छोटे से विजिट्स या सॉफ्टवेयर सो so, अगर आपको कोडिंग करनी नहीं भी आती जो कि अच्छा है बल्कि नहीं करनी चाहिए कि अगर आप अपनी वर्डप्रेस साइट को कोडिंग के बगैर ही कस्टमाइज करना सीख जाएं सो दैट्स द बेस्ट वे टू यूज़ वर्ड प्रेस क्यों क्योंकि वर्ड प्रेस गिव्स यू दर्चुनिटी टू बिकम एन ऑनटरप्रोर अ फ्री लासर एंड अ स्मार्ट वर्कर एंड आई एम होपिंग कि अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा कि आप क्या करना चाहते हैं अभी तक आप लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव बना लिया होगा कि आप वर्ड प्रेस को यूज करके हाउ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ अदर्स अराउंड यू याद रखिएगा दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू यूज़ दिस टूल टू चेंज योर लाइफ और आप बन सकते हैं वर्ल्ड प्रेस के सुपर हीरो हम उम्मीद करते हैं कि एज यू गो थ्रू दिस लर्निंग जर्नी यू वुड बी एबल टू लर्न द टिप्स एंड ट्रिक्स एंड द फ्यूचर्स विच विल चेंज योर लाइफ इन मैनी अमेजिंग वेज वापस आते हैं साइड कस्टमाइजेशन पे साइट कस्टमाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है आज से काफ़ी साल पहले ऑलमोस्ट इट डेके गो वर्ड प्रेस में कस्टमाइजेशन की इस तरह की फीचर्स अवेलेबल नहीं थी बट थैंक्स टू न्यू टेक्नोलॉजीज यू कैन वेरी इजिली कस्टमाइज वर्ड प्रेस एंड यूज ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर्स टू वेरी इजिली सी के आपकी साइट कैसी लगेगी लाइफ एंड वी विल लेट यू ट्राई दैट बट बिफोर वी डू दैट थोड़ा सा कस्टमाइज या कस्टमाइजर के बारे में बात करते हैं वट इज़ द कस्टमाइज फीचर कस्टमाइजर आखिर क्या होता है ंग द कस्टमाइजर यू कैन मॉडिफाई सर्टन पार्ट ऑफ योर वेबसाइट इट्स अ फीचर दैट इज अवेलेबल नेटिवली ऑन वर्ल्ड प्रेस सो होता क्या है कि जब आप कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं आपको एक मेन्यू दिखाया जाता है इधर वेरियस ऑप्शन होती हैं और वो ऑप्शन अगर आप चेंज करें सो यू विल बी एबल टू चेंज लुक एंड फील ऑफ योर वेबसाइट कॉन्टेंट रिमेन्स द सेम मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्टेंट आपका वही रहेगा लेकिन जो थीम की नई फीचर्स हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स लुक्स इट्स फील इट्स अपियरेंस वो चेंज हो जाएंगे सो डिपेंडिंग ऑन द थीम दैट इज करेंटली इन यूज यू मे सी मोर और लेस ऑप्शन डिस्प्लेड इन द कस्टमाइजर वाली जो एक सेक्शन है uh, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि ये जो पूरा सेक्शन है यूजिंग दिस यू कैन कस्टमाइज योर साइट एंड चेंज द लुक एंड फील ऑफ द होल पैनल ऑफ योर साइट जिस तरह की दुनिया को नजर आएगी वो जो छोटे से एरोज हैं जिनका मैंने आपको बताया था जो पेंसिल uh, की तरह के हैं दे अलाउ यू टू एडिट डिफरेंट पार्ट्स और लेफ्ट साइड पर जो आपको साइड बार नज़र आ रहा है दैट साइड बार विल अलाउ यू टू एडिट डिफरेंट सेक्शंस सो ये आप यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द कस्टमाइजर फीचर ऑफ वर्ड प्रेस और जैसे जैसे आप चेंजेस को करते रहेंगे राइट हैंड साइड पे वो चेंजेस आपको वैसे वैसे नजर आती रहेंगी दिस इज अ लाइव प्रीव्यू फंक्शनैलिटी दैट वर्ल्ड प्रेस ऑफर यू याद रखें कि अगर आप कोई अपनी चेंजेस कर रहे हैं बैक एंड पे तो वो चेंजेस आपके यूजर्स को नजर नहीं आ रही दोज चेंजेस आर ओनली फॉर यू सिर्फ आप उन्हें देख सकते हैं और जैसे मैंने आपको नीचे बताया कि कस्टमाइजर के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे एक हाइड कंट्रोल्स का बटन है आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आप अपनी साइट को लाइव देख सकें कि वो कैसी लग रही है जब तक आप पब्लिश नहीं क्लिक करेंगे आपके व्यूअर्स के लिए आपके कंज्यूमर्स के लिए आपके कस्टमर्स के लिए वो साइट लाइव नहीं होगी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कस्टमाइज़र के नीचे पैनल पे जो एक डेस्कटॉप का आइकन है या मोबाइल का आइकन या टैबलेट का आइकन है उसको यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी साइट कैसे लगेगी और कैसे वो आपके कस्टमर्स को शो होगी सो so, अब हम इसको एक लाइव तरीके से कस्टमाइज़ करेंगे एंड नाउ विल ट्राई टू कस्टमाइज़ इट विद अ न्यू थीम तो एक नई थीम के साथ करेंगे सो विल बी यूजिंग अ थीम विच आई जस्ट इंस्टॉल लेट्स गो टू अपीयरेंस थीम्स एंड जो स्लांटेड थीम हमने एक इंस्टॉल की है लेट्स एक्टिवेट दैट एंड लेट्स ट्राई टू सी कि वो हमें कस्टमाइजेशन की क्या क्या फीचर दे रहा है सो so स्लांड मैंने एक्टिवेट कर दिया थीम एंड दिस इज़ हाउ द थीम लुक्स ऑन द फ्रंट एंड अगर मैं इसकी इंडिविजुअल पोस्ट पर जाना चाहूँ तो इसका कंटेंट मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा आई ऑब्वियसली वॉन्ट टू चेंज दिस सो आई गो टू कस्टमाइज़ अच्छा इससे पहले मैं कस्टमाइज पे जाऊं। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और ये थीम कस्टमाइजेशन से रिलेटेड एक पॉइंट है आपने देखा कि मैंने जैसी ही ये थीम इंस्टॉल की वर्डप्रेस ने मुझे दिखा दिया कि दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लग ए एल एक्स एक्सटेंशन मेटाबॉक्स रीजनरेट थम डब्ल्यू पी पेज ने वी सो आई कैन इंस्टॉल दीज थीम्स और आई कैन डिसमिस द नोटिस इट्स रिकमेंडेड कि अगर आपको कोई थीम कह रही है कि ये प्लगन इंस्टॉल कर दें तो प्लीज वो प्लगन इंस्टॉल कर दें बिकॉज दोज थीम्स आर डिपेंडेंट ऑन फंक्शनैलिटी विद सर्टन टाइप ऑफ प्लग सो so, मेरी आपको हाईली एक सजेस्टेड रिक्वेस्ट होगी कि ये ज़रूर कीजिएगा प्लग इन -in इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा और uh, साथ साथ अब हम जाएंगे कस्टमाइज़ पे और हम देखेंगे कि हम इस थीम को फर्दर कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं और ये कौन कौन से एरियाज़ को हमें कस्टमाइज़ करने की ऑप्शन दे रही है सो so, इस थीम को हम कस्टमाइज़ करने पर आते हैं तो ये देखें हमें एक ऑप्शन दे रही थीम ऑप्शन के नाम से सो so, यहाँ पे आई कैन चेंज द स्टाइलिंग ऑफ दिस होल वेबसाइट I can make it green if I want to or I can use a dark style if I want to. ये देखें so, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया every theme will give you a separate option in terms of its customization. so यहां पर मैं कलर change करना चाहूं तो मैं वो भी कर सकता हूं this does not look good so तो i'll go back to black i can change other uh, Home page ki settings hai wo bhi change ho sakti hain एवरी थिंग कैन बी चेंज फ्रॉम दिस एंड जस्ट क्लिक ऑन पब्लिश और अब मैं अपनी साइट लाइव देखूँगा टू सी के कैसा फ़र्क पड़े सो यू कैन सी दिस इज द डार्क थिंग एंड अदर प्लग इन दैट आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू जिससे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइट में चेंजेस कर सकते हैं दैट इज साइट ओरिजिन प्लग इन का नाम है पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन मैं प्लग इन इंस्टॉल करूंगा एंड देन आई विल ट्राई टू क्रिएट अ कस्टम पेज यूजिंग दिस पेज बिल्डर प्लग इन एक्टिवेट हो गया आई विल गो ऑन एड न्यू पेज एंड अब आप देख रहे हैं देयर इज अ न्यू मेन्यू आइटम जो कि मेरे टेक्स्ट एडिटर और विजुअल एडिटर के सामने नजर आ रहा है इट्स कॉल्ड अ पेज बिल्डर

आप देख रहे हैं कि ये कुछ लेआउट्स मैंने लाइव ऐड कर दिए एंड आई क्लिक ऑन पब्लिश टू सी के ये कैसा पेज लगता है और आप इनको ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके uh, चीजें भी चेंज कर सकते हैं दैट्स एंड so इस तरह का एक कंटेंट लेआउट यहां पे नजर आना चाहिए बट बिकॉज इसके अंदर कंटेंट एडिड नहीं है तो ये आपको वैसा नजर नहीं आ रहा बट यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस टू कस्टमाइज योर साइट फर्दर दिस इज द पेज बिल्डर प्लग इन बाय साइट ओरिजिन एंड इसी तरह मैंने आपको बताया कि आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं साइट को सो प्ले अराउंड विद दिस यूज वर्ड प्रेस एज योर प्ले ग्राउंड खासतौर पर जीरो 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 बेबहोस की अपॉर्चुनिटी ये है कि आप डिफरेंट चीजों को डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं एंड यू कैन प्ले अराउंड सो प्ले अराउंड विद योर साइट एंड कीप अपडेटिंग अस On your progress, as we want to help you become successful as an entrepreneur, as a freelancer, and as a smart worker with WordPress.